हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल अड्डा। तो कल हम बात कर रहे थे कि लोकल एनेस्थेसिया के बारे में, कि लोकल एनेस्थेसिया क्या होता है। तो आप लोग के जैसे सजेशन मिले हैं मुझे, तो आप लोगों ने बताया कि सर बार बार आप बोल दो डिफिनीशन, सो डेट हमें डिफिनीशन याद हो जाए। तो लोकल एनेस्थेसिया का डिफिनीशन क्या है? देखो, लोकल एनेस्थेसिया का जो डिफिनीशन है वह है, लोकल एनेस्थेसिया आर द ड्रग्स, ठीक। लोकल एनेस्थेसिया ऐसे ड्रग्स होते हैं डैट कॉज लॉस ऑफ सेंसेशन बाय ब्लॉकिंग द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ओके, लोकल एनेस्थेसिया आर इंजेक्टेड टॉपिकली और लोकली थ्रू आईवी रूट। ओके, तो ये लोकल एनेस्थीसिया का प्रॉपर डिफिनीशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू द केडी त्रिपाठी। आज का जो हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिया है, ये लिया है हमने सानबाग एंड सिनोय से, एंड ये लिया है फैक्टर अफेक्टिंग केडी त्रिपाठी से। हमने दो बुक मिला करके आज लिया है। अब सबसे पहले देखते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। जैसा कि कल हमने उन्हें पढ़ा कि लोकल एनेस्थीसिया एक वीक बेस होता है, ठीक है। तो वीक बेस है मतलब अगर एसिडिक मीडियम उसको मिलता है तो वह आयोनाइज हो जाएगा, और आयोनाइज हो जाएगा तो वह न्यूट्रलाइजेशन वगैरह के प्रोसेस को फॉलो कर लेगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कोई एक पेशेंट आया है, उसको माइनर सर्जरी करना है, हमने लोकल एनेस्थीसिया दे दिया। लोकल एनेस्थीसिया जब हमने दे दिया तो दो फॉर्म होते हैं, या तो तुम आयोनाइज फॉर्म में दोगे या फिर अनआयोनाइज फॉर्म में आप दोगे। ओके, आयोनाइज फॉर्म में जब आप दोगे तो इसकी टिश्यू पेनिट्रेशन पावर खराब हो जाती है, ये टिश्यू को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, इसलिए हमें आयोनाइज फॉर्म बाहर से नहीं देने चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट खत्म हो गया कि हम आयोनाइज फॉर्म में नहीं देते हैं बाहर से। जो ऑलरेडी कमजोर है उसको कैसे दोगे बाहर से? सिंपल सी बात है कि आपको मारपीट करने जाना है। मैं एक देसी लैंग्वेज में बात करूँ तो हमें मारपीट करने जाना है, तो क्या हम उस इंसान को लेकर जाएंगे जो ऑलरेडी कमजोर है? नहीं, हम क्या लेकर के जाएंगे जो मजबूत है। हम उस इंसान को लेकर के जाएंगे जो उसको जानता होगा अच्छे से, ठीक, उसे नहीं लेकर के जाएंगे जो उसे नहीं जानता होगा, ठीक है। तो हम आयोनाइज फॉर्म ना देकर के अनआयोनाइज फॉर्म में देंगे। अनआयोनाइज फॉर्म का फायदा क्या होगा कि यह टिश्यू को पेनिट्रेट इजिली कर लेता है, ठीक है। ये टिश्यू के पेनिट्रेशन पावर इसकी बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए हम यह टिश्यू को पेनिट्रेट करके आगे बढ़ जाएगा। यह टिशू सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करेगा, सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके या एक्सोन तक चला जाएगा, ठीक है। जब एक्सोन में जाएगा, एक्सोन में पीएच होता है कम, अब क्या होगा, वहां पर आयोनाइजेशन होगा, और आयोनाइजेशन होने के बाद वहां पर क्या होगा, एलेप का सेल मेम्ब्रेन के अंदर में, अब तो अंदर आ चुका था, एक्सोन के अंदर में आ चुका था, न्यूरॉन्स में जा चुका था, न्यूरॉन्स में जब जा चुका था तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जाने के बाद वह क्या करेगा, आयोनाइज हो जाएगा वापस, क्योंकि वहां पर होता है पीएच कम। अब पीएच कम होने की वजह से इसका आयोनाइजेशन हुआ, अब अंदर जा चुका है, अब घर के अंदर जा चुका है, अब इसका काम क्या है, ब्लॉकिंग करना। अब क्या करेगा, मेन जो फंक्शन है एले के लिए, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होता है कि यह ब्लॉक करता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। हमने जब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें एक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हुआ करता था, एटीपी डिपेंडेंट, तो यह वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। जब यह ब्लॉक करता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को, तो जब देखो अब घर का दरवाजा ही बंद हो गया तो क्या आप अंदर जा पाओगे? नहीं जा पाओगे जब घर का दरवाजा बंद हो गया। तो इसी तरीके से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बंद हो चुका है। जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हमारा बंद हो चुका है तो सोडियम का तो एंट्री ही नहीं होगा, सोडियम का एंट्री नहीं होगा तो इनसाइड क्या हो जाएगा, निगेटिविटी आ जाएगी, निगेटिव आयन्स हो जाएंगे, निगेटिव आयन्स हो जाएंगे मतलब डीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगा। अब डीपोलराइजेशन नहीं हो पाया यहाँ पे, ठीक है, मेम्ब्रेन अपने हाइपरपोलराइज स्टेट में रह गया, मेम्ब्रेन को डीपोलराइजेशन होने का टाइम ही नहीं मिला। अब जब डीपोलराइजेशन होने का टाइम नहीं मिला तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ तो कोई भी नर्व का कंडक्शन नहीं हुआ, ना जनरेशन होगा, ठीक है, सीएनएस के थ्रू। तो हमारा एले का इफेक्ट ये होगा कि एले डिप्रेस कर देगा सेल मेम्ब्रेन को। तो हमने देखो, एक बार आप देख लो इस तरीके से, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसको, ठीक है, बाकी मैं ये फेसबुक पेज पे तो अपलोड कर ही दूंगा और इंस्टा पे भी अपलोड कर दूंगा। ओके, देखो अब आगे एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ।
लोकल एनेस्थेसिया दिया, अनायोनाइज फॉर्म में आपने दिया, अनायोनाइज फॉर्म का प्रॉफिट क्या हुआ, हमारा बेनिफिट क्या हुआ कि यह पेनिट्रेट करता है सेल मेम्ब्रेन को इजिली। सेल मेम्ब्रेन को जब यह पेनिट्रेट कर लेता है तो यह इंटर करता है एक्सोन वाले पार्ट में, जब यह एक्सोन वाले पार्ट में इंटर करता है तो यहाँ पे रीआयोनाइजेशन होता है एल ए का, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे पीएच कम है। ओके, अब वहां पे पीएच कम हो गया, रीआयोनाइजेशन हो गया, अब ये क्या करेगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल अब ब्लॉक हो गया है तो सोडियम का एंट्री नहीं हुआ है, सोडियम का एंट्री नहीं हुआ तो इनसाइड निगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव, मतलब डिपोलराइजेशन तो हुआ ही नहीं। अब जब डिपोलराइजेशन नहीं हुआ तो एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन नहीं हुआ, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन नहीं हुआ तो नव कंडक्शन के लिए हमें चाहिए होता है जनरेशन एक्शन पोटेंशियल का। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं हुआ तो नया नव कंडक्शन बना ही नहीं, ना नया नव जनरेट हुआ, तो हमारा एलए का इफेक्ट क्या हुआ कि यह सीएनएस को डिप्रेस करके रखा जब तक उस टाइम पीरियड में हमने अपना सर्जरी परफॉर्म कर लिया। ये तो था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हमने के डी त्रिपाठी से देखा है कि व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द पावर ऑफ एलए, जो एक्शन एलए अब एक्शन करना चाह रहा है तो एलए को कौन कौन है जो डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमने देखा कि पहला होता है पीके, एले एक वीक बेस होता है या पीएच डिपेंडेंट काम करता है, तो पीएच डिपेंडेंट काम करने की वजह से एले के साथ क्या है कि जब यह पीके की बात करते हैं, पीके रिलेटेड होता है पीके पीएच से, जो जब ज़्यादा पीके होता है, पीके ज़्यादा होता है तो आयोनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही आयोनाइजेशन हो जाएगा, चूंकि देखो प्रोकेन है तो प्रोकेन का पीएच है 9.1, इसका एक्शन क्या होता है स्लो, एक्शन तो स्लो हो गया प्रोकेन का, तो एक्शन स्लो हो गया लेकिन पोटेंसी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि आयोनाइजेशन हो गया ज्यादा और ड्यूरेशन हो गया कम। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोकेन के लिए ये पीके वाला कंडीशन एक एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो, प्रोकेन का पीके 9.1 होता है, याद रखना इस चीज को, बहुत बार बी फार्मा के पेपर में आ चुका है ये एमसीक्यू में। तो प्रोकेन का पीके ज़्यादा हो गया। अब बात करते हैं दूसरे किसी एक को ले लो, मान लो बुपिवाकेन का ले लेते, ठीक है, तो बुपिवाकेन के साथ क्या है कि इसकी पीएच होती है, सॉरी लिग्नोकेन ले लो, सॉरी लिग्नोकेन, ये आपके सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला है लिग्नोकेन, तो 7.7 होता है इसका पीके, इसका पीके 7.7 होता है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि इसकी आयोनाइजेशन कम होती है। अब आयोनाइजेशन कम हो गई तो इसका एक्शन हुआ फास्ट, एक्शन हुआ फास्ट तो ड्यूरेशन हो गया इंटरमीडिएट। हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में देखा है कि लिग्नोकेन का इंटरमीडिएट ड्यूरेशन होता है और इसकी पोटेंसी भी हो जाती है इंटरमीडिएट, लगभग 2 घंटे के आसपास का ये टाइम दे देता है आपको वर्किंग कंडीशन के लिए, और 2 घंटे मैक्सिमम होते हैं सर्जरी, माइनर सर्जरी परफॉर्म करने के लिए। अब बात करते हैं सेकेंड, प्लाज्मा के साथ बाइंडिंग, डिग्री ऑफ प्लाज्मा बाइंडिंग। जितना ज़्यादा कोई ड्रग प्लाज्मा के साथ बाइंड करेगा उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उतना ज़्यादा होगा, जैसे कि बुपिवाकेन। अब मान लो एक चीज़ बताओ, कोई घर है ये, ठीक है, इस घर में प्लाज्मा ही सब कुछ है। अब प्लाज्मा के साथ अगर किसी की दोस्ती अच्छी हो गई, किसी की बॉन्डिंग अच्छी हो गई, तो बॉन्डिंग जिसकी अच्छी हो जाएगी तो ज़्यादा दिन तक रहेगा, मतलब ज़्यादा टाइम तक रहेगा, ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो इसकी पोटेंसी भी ज़्यादा अच्छी होगी, पोटेंसी अच्छी होगी क्योंकि यहाँ ट्रस्ट गेन वाली बात आ जाती है, बॉडी के साथ ऐसा नहीं है बट एक लेमेन टर्म में कि ट्रस्ट गेन की बात आ जाती है, ट्रस्ट गेन अच्छी होगी तो इसकी पोटेंसी ज़्यादा अच्छी होगी, पोटेंसी ज़्यादा अच्छी होगी तो इसकी बात ज़्यादा लोग मानेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छे से एक्शन कर पाएगा, तो ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका ज़्यादा होता है, पोटेंसी इसकी ज़्यादा होती है बुपिवाकेन की। जब रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने पहली बार जो कंसंट्रेशन दिया वो कंसंट्रेशन कितना दिया था। अगर आपने हाईली डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन दे दिया, मान लो कि पहली बार जो आपने दिया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपने पहली बार कितना रखा, कुछ एक ड्रग्स जल्दी मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज होते हैं, कुछ एक कम होते हैं, तो उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा उतना फास्ट एक्शन होगा उसका। लिपिड के साथ सॉल्युबिलिटी, जिस ड्रग का लिपिड के साथ सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड भी एक पार्ट होता है, तो सॉल्युबिलिटी जैसे ही ज़्यादा होगा तो उसका पोटेंसी ज़्यादा होगा, पोटेंसी ज़्यादा होगा तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा, एग्जाम्पल जाता है बुपिवाकेन का। बुपिवाकेन एक ऐसा ड्रग है, बुपिवाकेन एक ऐसा ड्रग है जिसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होने की वजह से बुपिवाकेन का
पोटेंसी भी ज्यादा है। कुछ एक फैक्टर ये कहता है कि एलए जो है वह पीएच डिपेंडेंट होने की वजह से जो इन्फेक्टेड टूथ वगैरह होती हैं, वाउंड टिश्यू होता है वहाँ पे इसका पुअर पेनिट्रेशन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एले जो है वह पीएच डिपेंडेंट काम करता है, तो वाउंड टिश्यू में एसिडिक पीएच होता है, पीएच कम होता है वहाँ पे। एसिडिक पीएच होने की वजह से आउटसाइड ही इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, तो ये ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा सेल मेम्ब्रेन को, तो इसलिए वाउंड टिश्यू में थोड़ा कम इफेक्ट शो करता है। एले जो है वो स्मॉलर नर्व फाइबर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लॉक करता है इन कंपैरिजन टू द लॉन्गर नर्व फाइबर। सेंसरी नर्व फाइबर, चूंकि एले दोनों नर्व फाइबर को पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी रखता है, दोनों को इंटरप्ट कर सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि एले जो है वह सेंसरी नर्व फाइबर को ज़्यादा जल्दी कर देता है इन कंपैरिजन टू द मोटर नर्व फाइबर। अब बात कर लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स का। वैसे तो हर ड्रग्स का जो एले के अंडर में आते हैं उनका अलग अलग फार्माकोकाइनेटिक्स है, अलग अलग टाइम पीरियड ऑफ एक्शन है, क्योंकि सबका अपना लिपिड सॉल्युबिलिटी अलग है, सबका अपना इंटरेक्शन मेम्ब्रेन के साथ अलग है। लेकिन जनरली जो 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 फार्माकोकाइनेटिक जो सबके लिए एप्लीकेबल है वो है कि एले टॉपिकल और आईवी रूट से दिए जा सकते हैं। कुछ एक एले सॉल्यूबल होते हैं तो कुछ एक एले इनसॉल्यूबल होते हैं। एले की बात करते हैं तो एले रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, एग्जाम्पल जाता है टेट्रा के। एले के साथ एक अच्छी चीज ये है कि एले जो है वह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। चूंकि यह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, तो इसलिए हमें डोज का कंसंट्रेशन ध्यान में रखना पड़ता है। अब दो एले हमने पढ़ा था, अमाइड लिंक एले और एस्टर लिंक एले। अमाइड लिंक एले क्या करता है कि प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन जो होती हैं उनके अल्फा वन के साथ बाइंड करता है। इसीलिए कहते हैं कि जो अमाइड एले होता है उनका पोटेंसी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो प्लाज्मा के साथ बाइंड कर चुका है। और हमने ऑलरेडी देख लिया था पॉइंट नंबर टू में कि जिसका प्लाज्मा के साथ बाइंडिंग अच्छा होगा वो ज़्यादा देर तक अपना एक्शन शो करेगा, तो एमाइड लिंक्ड एले का पोटेंसी ज़्यादा होता है। अमाइड लिंक्ड एले जनरली लीवर में जा करके मेटाबोलाइज होते हैं, और एले का अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें, हाफ लाइफ की बात करें, तो 1 घंटे से 3 घंटे के बीच में अपना ड्यूरेशन ये शो कर ही देता है। सबका वैसे अलग अलग है, लेकिन जनरली जो एले होता है 1 से 3 घंटे तक ही एक्शन शो करते हैं, ये मैक्सिमम जो टाइमिंग फ्रेम है ये इतना ही होता है। तो अभी तक हमने देख लिया है कि एले का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, एले का साथ हमने देख लिया कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एले। फैक्टर्स अफेक्टिंग एले में एक पॉइंट बच गया है हमारा, डेट इज एडिशन ऑफ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के साथ जो एडिशन होता है वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि उसमें हमें एड्रेनालिन का फंक्शन के साथ देखना है। थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट हम मिला देते हैं एले का, तो उसका पोटेंसी ज़्यादा हो जाता है, और पोटेंसी ज़्यादा होने की वजह से हम एक्शन फास्ट लेते हैं, और थोड़ा सा वो क्लियर फील्ड देता है ब्लड वगैरह से। तो अभी तक हमने मैकेनिज्म वगैरह सब देख लिया, फार्माकोकाइनेटिक्स देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है एले का, और एक दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे कि लिग्नोकेन और प्रिलोकेन, ये दो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा आस्क ड्रग होते हैं मेडिकल फील्ड में, तो इसलिए इन दोनों को थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फार्माकोलॉजिकल एक्शन और एडवर्स इफेक्ट देखते हैं एले का। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फार्मा के सारे नोट्स मेरे इंस्टा पेज, मेडिकल अड्डा पे, एंड फेसबुक पेज मेडिकल अड्डा, वहाँ भी मेडिकल अड्डा, यहाँ भी मेडिकल अड्डा पे उपलब्ध हैं। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसके भी नोट्स को अपलोड कर दूँगा। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ।